दोस्तों रिंगिंग बेल्स के फ्रीडम 251 के रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद में एक नई कंपनी मार्केट में आई है जो आपसे एक वादा करती है कि आपको 888 यानी कि 888 इंडियन रुपीस में एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन दे सकती है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आज सुबह से ही मुझे काफी सारे मैसेजेस, ईमेल्स, यूट्यूब कमेंट्स वगैरह आ रहे थे। जब मैंने खोल के देखा तो मुझे मालूम हुआ कि एक नई कंपनी जिसका नाम है डोकोस, जयपुर बेस्ड एक कंपनी है, उसने आज पूरे इंडिया में जगह जगह सभी न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज ऐड दिए हैं एक फोन का जिसकी कॉस्ट है 888 यानी कि 888 रुपए, साथ में 99 रुपीज का शिपिंग चार्ज है। तो ये आपको 987 इंडियन रुपीज में एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन दे रहे हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो 4 इंच की आपको स्क्रीन मिलती है, एक आईपीएस स्क्रीन है बेसिक, उसके अलावा आपको 1.3 GHz का ड्यूल कोर प्रोसेसर मिलता है, 1 GB की रैम मिलती है, 2 MP का रियर कैमरा, 0.3 MP का फ्रंट कैमरा, 1300 mAh की बैटरी, एंड्रॉइड 4.4 किटकैट के साथ में आपको ये फोन मिल जाएगा। इस फोन में सबसे स्पेशल क्या है कि इसके लिए आपको कोई पैसा एडवांस नहीं देना है और ये कैश ऑन डिलीवरी बेस पे काम करने वाले हैं। अब दोस्तों कंपनी ये कहती है कि 2 मई से आपको ये फोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको बुक कर सकते हैं अभी बिना एक भी पैसा दिए, और आप इसको ऑनलाइन के अलावा नॉर्मल अपने मोबाइल फोन से एक SMS के थ्रू अपना नाम, पता और पिन कोड भेजने के बाद में भी बुक कर पाएंगे। तो मैंने एक बार वेबसाइट चेक की, मैंने खोल के देखा तो वेबसाइट एकदम बेसिक सी है वहां पे जैसे, लेकिन मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया तो वेबसाइट हैंग हो चुकी थी, वो खुल नहीं पा रही है। उसके अलावा जब मैंने चेक किया कि वेबसाइट कितनी पुरानी है तो वो सिर्फ 2 महीने पुरानी वेबसाइट है, 25 या 26 फरवरी को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो एक नई कंपनी है, जयपुर बेस्ड कंपनी, और वो ये बोलती है कि 888 में यानी कि शिपिंग मिला के 987 में आपको ये फोन दे देंगे। तो क्या ये फ्रीडम 251 की तरह होने वाला है कि एक हवा में बात करती हमने तीर चला दिए, पहले पैसे भी ले लिए, फिर थोड़ा सा उनको रिफंड भी कर दिया जब थोड़ा ऊपर प्रेशर आया, और अभी कोई अता पता नहीं है कि 30 जून तक फोन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हालांकि COD उन्होंने एक्सेप्ट की थी, लेकिन कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहां बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके बारे में कोई भी अभी तक न्यूज नहीं है। और ऑलमोस्ट सेम चीज है जो डोकोस का ये फोन है। तो वाकई में कंसेप्ट क्या है ये समझ नहीं आता। पहली बात तो मुझे ये कि जब ये COD दे रहे हैं तो ये इनकम कहां से जनरेट कर सकते हैं। एक मन में ख्याल ये आता है कि ये हो सकता है आपके डेटा से इनकम जनरेट करते हो इनिशियली एज अ स्कैम, अगर हम बात करते हैं कि आपको फोन नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ अभी आपसे ऑर्डर ले लेंगे 2 दिन के अंदर अंदर और उसके बाद में आपको फोन नहीं देंगे। तो जब आपने ऑर्डर किया तो आपको पैसे तो कुछ देना नहीं पड़ा, तो इनकी इनकम कहां से हुई। तो कई बार तो ये दिमाग में आता है कि इनकम हो सकता है कि इनकी अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, अगर आप अपना नाम, ईमेल सब कुछ दे देते हैं, इनको फोन नंबर वगैरह, तो इनके पास में जो इतने लाखों करोड़ों यूजर्स का डेटा आ जाएगा तो उससे ये अपना सारा प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन क्योंकि आप इसको SMS से सिर्फ अपना नाम भेज के भी बुक कर सकते हैं, उसमें आपका ईमेल आईडी तो गया नहीं है, तो ऐसे में फिर इनकी इनकम कहां से होगी। तो बिजनेस मॉडल को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, और बिना किसी लॉन्च इवेंट के, बिना किसी प्रॉपर मीडिया के सामने आए, सिर्फ एक अखबार में ऐड देके और एक वेबसाइट बना के अगर ये फोन बेच सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू, तो समझ में नहीं आता कंसेप्ट क्या है, फोन कहां से आएगा, कहां बनेगा, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, मतलब कुछ भी डिटेल्ड एक क्लियर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। लेकिन हालांकि कैश ऑन डिलीवरी है, इसके लिए एक नॉर्मल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेफ साइट भी है, और ऐसा भी आपको हेडेक नहीं है कि वेबसाइट नहीं खुल रही है, आप लगे पड़े हैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, आप सिंपल एक मैसेज के थ्रू भी अपना फोन बुक कर सकते हैं। तो यही चीजें थोड़ी सी बस समझ में नहीं आ रही है कि ये चल क्या रहा है आजकल इंडिया में। फ्रीडम 251 ने पहले पूरा तहलका मचाया था दुनिया भर में कि $4 का स्मार्टफोन है, और अभी ये डोकोस आ गया है जयपुर की कंपनी कुछ नया फोन लेके 888 में। तो पता नहीं सच है झूठ है, मैं सिर्फ आपको बता रहा था, हो सकता है आपने पेपर ना पढ़ा हो या फिर आप पेपर ना पढ़ते हो तो आपको बताने के लिए कि ऐसा एक फोन है जो आ रहा है। वेबसाइट है docoss.com, docoss.com, तो आप वो खोल के देख सकते हैं कि आपको वहां पे क्या डिटेल्स मिलती है इस फोन के बारे में। अब बुक करना है या नहीं करना है इसके बारे में मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कर लो अगर आप अपना डेटा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, अगर आपको स्पैम ईमेल वगैरह आ जाएंगे तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपके नंबर पर, अगर आपको स्पैम मैसेज वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि हद से यही हो सकता है, इसके अलावा तो आपके अगेंस्ट कुछ भी वो यूज नहीं कर सकते आपके डेटा को। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि टाइम पास है, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि फोन तो पता नहीं 2 महीने, मतलब 1 हफ्ते का टाइम है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फोन ही मिल जाएगा 2 महीने से, तो पता नहीं ये किस टाइप का बिजनेस मॉडल है, मुझे समझ नहीं आता कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फोन कहां से इतना स्टॉक आ जाएगा जो आपको अचानक से मिल जाएगा, या पता नहीं चाइना में बिल्कुल एकदम बल्क डील करी हो पता नहीं कितने लाखों फोन्स की, कि बिल्कुल आपको, क्योंकि स्पेसिफिकेशन इतनी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी बिल्कुल बेसिक स्पेसिफिकेशन है, लेकिन फिर भी 1 GB की रैम वगैरह आपको मिल जाती है, तो पता नहीं कैसे पॉसिबल है हालांकि। तो आप देख लीजिए, अगर आपको बुक करना है तो करिएगा, नहीं करना है तो मत करिएगा, मेरा सिर्फ काम था आपको बताना।
और मैंने तो अपना एसएमएस भेजा नहीं है, मैं दुबई में रहता हूँ तो यहाँ से मैं कहाँ एसएमएस भेजूंगा और कैसे मैं बुक कर पाऊंगा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो देखते हैं फोन मार्केट में कब आता है, कैसे आता है, क्योंकि इसके बारे में तो इतना लंबा वेटिंग पीरियड भी नहीं है, सिर्फ 10 दिन की बात है, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अभी हो सकता है शाम तक या कल तक आपको मीडिया में भी इसके बारे में पता चल जाए, कुछ लोग छापे मार ले ऑफिस में जाके पता लगा ले कि कौन ऑफिस है, कौन लोग है, कौन सीईओ, कौन सीएफओ इनका। तो देखते हैं क्या है ये डोकोस का नया फोन, 888 का नया धमाका। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी सवाल है सुना हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।